हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्निंग हैबिट्स। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग टेलर्स इंटरनेशनल के एक न्यू प्रोजेक्ट, न्यू नहीं है वो, ओल्ड प्रोजेक्ट है लेकिन अभी भी वो अवेलेबल है पोर्टल में। सो उसमें हम लोग अप्लाई करेंगे और साथ ही साथ मैं दिखाऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप कि कैसे अप्लाई करना है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज मेक श्योर करें कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वैसे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा इस टाइप के कंटेंट्स को अच्छे तरह से रिसर्च करके आपके सामने प्रेजेंट करने में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। अभी देखो, यहाँ पे मैं टेलर्स इंटरनेशनल के एक जॉब पोर्टल में आ चुका हूँ। यहाँ पे बहुत सारे जॉब अवेलेबल है जिसमें मैंने अप्लाई किया, वहाँ पे अप्लाई टिक आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे अभी भी अप्लाई का ऑप्शन है। मैं उसमें अप्लाई करता हूँ और फिर आपको साथ ही साथ दिखाता हूँ। ये देखो, सर्च इंजन इवेलुएटर है, इसमें मैं अप्लाई पे क्लिक कर लेता हूँ, फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कि प्रिलिमिनरी क्वेश्चन होते हैं, उसका मैं फटाफट आंसर कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मुझे अपना @hotmailwindows.live ID प्रोवाइड करना है, मैं 1 मिनट प्रोवाइड करके सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो पॉपअप क्वेश्चंस आ चुके हैं, मैं इसको ट्राई करता हूँ सॉल्व करने का, फिर दिखाता हूँ आपको। अभी देखो, यहाँ पे एक डेडिकेटेड जीमेल क्रिएट करना है जो कि ये प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक रहेगा, जो भी कम्युनिकेशन होगा इस प्रोजेक्ट में उसके हमें कम्युनिकेट करने के लिए ये ईमेल क्रिएट करना होगा। मैं 1 मिनट ईमेल क्रिएट कर लेता हूँ जो जीमेल रहेगा, फिर दिखाता हूँ आपको। अभी देखो, मैंने नया अकाउंट क्रिएट किया है, यहाँ पे वो शो कर रहा है। अब इस अकाउंट को वहाँ पर डाल देता हूँ। सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं, फिर देखते हैं मेरा अकाउंट जो है TIConnect1234@gmail.com। आपका TI name से अकाउंट होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन करके रखा है। यहाँ पे देखो, अप्लाई हो चुका है सक्सेसफुली। थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर द रोल, वी विल रिवर्ट टू यू शॉर्टली। सो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट और कैच ये था कि आपको इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करने के लिए एक नया जीमेल क्रिएट करना होगा। इनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही वो ईमेल आईडी होना चाहिए, TI से स्टार्ट होना चाहिए और आपका लास्ट नेम और फर्स्ट नेम उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए या कोई भी पर्सनल डिटेल्स इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो मैंने वो क्रिएट किया और उस पर एक OTP आया, मैं 1 मिनट आपको दिखा भी देता हूँ। ऐसे यहाँ पे देखो, मैंने क्रिएट किया ये ईमेल, इस पर OTP आया जो कि मैंने यहाँ पे सबमिट किया, उसके बाद इस प्रोजेक्ट में मैंने सक्सेसफुली अप्लाई कर पाया। सो अगर जो भी नेक्स्ट स्टेप होता है इनके तरफ से प्रॉपरली रिस्पॉन्ड किया जाएगा, तो आपको दोनों ईमेल आपको चेक करने हैं, जिस ईमेल से आपने टेलर्स में लॉगिन करके रखा है और जो आपने डेडिकेटेड ईमेल क्रिएट किया है उसमें भी आपको चेकआउट करते रहना है कि कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं आया, कोई कम्युनिकेशन तो नहीं किया गया इनके तरफ से। सो ऐसे करके आपको अप्लाई करना है इस प्रोजेक्ट में। मैंने आंसर्स जो भी पहले राउंड के क्वेश्चंस पूछे गए उसके आंसर्स को भी मैंने करेक्टली सॉल्व करके आपको दिखा दिया, तो मेक श्योर करो आप उसको फॉलो करो। अगर क्वेश्चन डिफरेंट आते हैं तो फिर भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल रहते हैं, ग्रामेटिकल्स रहते हैं, तो आप मैनेज कर सकते हो, ऐसा कुछ वास्ट नहीं रहता है।
सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।